हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सैमसंग A14 मोबाइल फ़ोन को अनलॉक करके दिखाने वाले हैं। अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी मोबाइल फ़ोन है एंड्रॉयड 13 में, तो इस मेथड से आप लोग वन क्लिक से अनलॉक कर सकते हो। हम इस मोबाइल फ़ोन को हार्ड रिसेट करके इसका ADB ऑलरेडी ऑन कर चुके हैं। स्क्रीन को हमने लाइव कर लिया है। अब ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, टूल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट कर लेना दोस्तों। अगर आपके पास कोई भी फोन है, आप लोग अगर इमरजेंसी कोड एंटर करके ADB ऑन हो रहा है तो नॉर्मल कर सकते हो, वरना आपको QR मेथड से ADB ऑन करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर टूल में प्रोसेस चल रहा है, मोबाइल फोन में इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल फोन में एक मैसेज देखने को मिलेगा, जिसपे आपको वेट के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। अब ये मैसेज आपको दोबारा से देखने को मिलेगा, आपको दूसरी बार भी वेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका मोबाइल फोन रिबूट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से मोबाइल फोन रिबूट होने के बाद ऑटोमेटिक कंप्लीट ऑन हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को सेटअप कंप्लीट करना है। यहाँ तक आपका जो लॉक है वो सक्सेसफुल रिमूव हो चुका है। उस दोस्तों, मैंने दोबारा से स्क्रीन को लाइव कर लिया है। स्टार्ट करेंगे और इस मोबाइल फोन को कंप्लीट ऑन करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके पास कोई फोन आ गया, उसको हार्ड रिसेट करके अगर इमरजेंसी कोड एंटर करके ADB ऑन हो रहा है तो आप लोग नॉर्मल कर सकते हो। अगर इमरजेंसी कोड एंटर करके ADB ऑन नहीं हो रहा है तो आपको QR मेथड से ADB ऑन करके फ़ोन को कनेक्ट करना होगा। हम लोग ऑलरेडी ADB ऑन करके फ़ोन कनेक्ट किए हैं, ठीक है। आप लोग अपना सेटअप कर लेना। उसके बाद जब टूल में प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका फ़ोन रिबूट होकर ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से फ़ोन को डाउनलोड मोड में कनेक्ट करना होगा। यहाँ तक आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो अनलॉक हो चुका है दोस्तों, ठीक है। बट अगर आप यहां से अभी अगर इसको अपडेट या रिसेट कर दोगे तो दोबारा लॉक हो जाएगा। अब इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, फोन को डाउनलोड मोड में कनेक्ट करने के बाद ओडिन टूल को ओपन कर लेना और इसके जो अपडेट ब्लॉक वाली फाइल होती है उसको एंटर करना होगा। फोन डाउनलोड मोड में कनेक्ट करने के बाद हमने फाइल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम एक बार डाउनलोड मोड चेक कर लेंगे। इन भैया ने डाउनलोड मोड में लगा दिया है फोन को। उसके बाद हम इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पर जो स्टार्ट बटन है ओडिन टूल में, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 5 सेकंड में ये डन हो जाएगा। यहाँ पर पास का मैसेज देखने को मिलेगा। अभी हमारा मोबाइल फोन कंप्लीट अनलॉक हो चुका है। अगर आप अपडेट करोगे या रिसेट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से हम स्क्रीन को लाइव करते हैं और इसको चेक करते हैं। सेटिंग ओपन करना है, वाईफाई कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर अपडेट में आना है और यहाँ से इसको ऑफ करना, ऊपर वाले ऑप्शन में डाउनलोड एंड इंस्टॉल में क्लिक करना और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हमारा फोन कंप्लीट अनलॉक हो चुका है। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास कोई मोबाइल फ़ोन है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ऑनलाइन के थ्रू आप लोग मेरे से करा सकते हो। आपका कोई भी मोबाइल फ़ोन हम लोग ऑनलाइन के थ्रू अनलॉक करके दे देंगे दोस्तों, ठीक है। इसका चार्ज लगेगा, बिल्कुल फ्री नहीं होने वाला रखा है। चार्ज किया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा।